हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 उसके सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ लिया है कि कार्टेशियन प्लेन पे कोई किसी पॉइंट को किस प्रकार से लोकेट किया जाता है। ओके, अब स्टूडेंट आप लोगों ने ये भी स्टडी कर लिया है कि अगर कोई पॉइंट इस प्रकार से -2.0, ओके, 3.0, 5.0, ओके, x.0, ये सारे जो पॉइंट हैं ये एक्स एक्सिस पे हैं। आई बात समझ में करी? क्योंकि आप लोगों को मैंने शुरुआत से ही मैं बताता चला आ रहा हूँ, अगर किसी ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, अगर किसी पॉइंट के का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो एक्स एक्सिस पे है। मैंने क्या आपको बता के चला हूँ मैं, अगर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो एक्स एक्सिस पे है। उसी प्रकार से स्टूडेंट 0.2, 0.-2, 0.-5, ये सारे पॉइंट हैं, ये क्या है, वाई एक्सिस पे होंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इन सब का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो जिस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है वो पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पे होते हैं। आई बात समझ में? तो इस अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है या वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको आज यहाँ पर नोट करवा देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है, फिर उसके बाद हम उन इक्वेशंस ऑफ लाइन, उन लाइन के इक्वेशंस की बात करेंगे जो क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हों। उससे पहले स्टूडेंट देखो, आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। तो आप नोट करके इस बात को लिख लेना, नोट, पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस भी एक लाइन ही है और उस लाइन पे वाई क्या है, जीरो है। आई बात समझ में कि नहीं? और अगर दूसरी बात की जाए, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पे क्या है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और वाई एक्सिस भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्या ये वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्स एक्सिस क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है? तो अगर आपसे पर्टिकुलरली बात की जाए कि बेटा ये बताओ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन आप क्या बताओगे कि एक्स एक्सिस पे भैया वाई जीरो होता है, तो वाई इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? अगर आपसे ये कहे कोई कि बेटा वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स जीरो होता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के इक्वेशंस की बात हो गई। आई बात समझ में कि नहीं? अब इस एक्सरसाइज में हम बात काय की करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कि उन लाइन के इक्वेशंस की जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल हों। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, इसके लिए आपके बुक में क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया है, तो उसके थ्रू इसको क्या है, ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, एग्जाम्पल 9 है आपका, तो एग्जाम्पल 9 में वो आपसे बोल रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन 2x+1। तो आपको गिवन क्या है, 2x+1 इक्वल टू
एक्स माइनस थ्री, पहले तो इसको सॉल्व करो और फिर आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सॉल्यूशन आपका निकल के आ रहा है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो और क्या है उसका ग्राफ ड्रॉ करो, कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ ड्रॉ करो। ओके तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले आप ट्रांसपोजिशन करो, 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, ये आपका उधर चला जाएगा माइनस वन, यानी कि एक्स इक्वल बेटा आपका क्या आ गया माइनस फोर। ओके अब आपको देखो दो क्वेश्चंस के आंसर देना है ना, सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके तो देखो स्टूडेंट ये आपकी क्या है नंबर लाइन है। ओके सपोज दैट ये आपका जीरो है, ये वन, ओके ये आपका टू, ये थ्री, फोर, फाइव, ऐसे क्या है इन्फिनाइट नंबर्स लिखी रहती ना, ये आपका क्या है माइनस वन है, ये आपका माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये आपका माइनस फोर, ये माइनस फाइव। अब एक्स इक्वल टू माइनस फोर को आपको क्या है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है ये जीरो से लेके क्या है माइनस फोर ये ना, तो इसको थोड़ा क्या है डार्क कर देना है। आई बात समझ में कि नहीं क्या कर देना है, तो ये आपने क्या है एक्स इक्वल टू माइनस फोर को क्या है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं क्लियर है, तो देखो आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका x इक्वल टू माइनस फोर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में उनने क्या कहा है आपसे, अभी बात समझ में कि नहीं, दूसरे क्वेश्चन में उनने ये कहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो x इक्वल टू माइनस फोर का। ओके क्लियर है, तो देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके तो स्टूडेंट ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, ये आपकी क्या है बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस की क्या निगेटिव डायरेक्शन है, ये आपका क्या है जीरो है, ये आपका वन, ये टू, ये थ्री, दिस आपका फोर, दिस फाइव, ये इधर आपका ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, ये आपका क्या माइनस फाइव। क्लियर है बेटा कि नहीं। अब स्टूडेंट इसकी बात की जाए तो ये आपका क्या है वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स। ओके ये आपका क्या माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। अब स्टूडेंट आपका क्या है एक्स इक्वल टू माइनस फोर है ना, आई बात समझ में कि नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस फोर। ओके एक्स इक्वल टू माइनस फोर है, तो स्टूडेंट एक्स इक्वल टू माइनस फोर तो आपका यही है, आई बात समझ में क्लियर। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ओके आपको क्या करना है आपको एक्स इक्वल टू माइनस फोर, अब इस पे क्या है आपको स्केल रखना है। ओके और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी पैरेलल, ओके यानी कि कुछ इस प्रकार से, तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर आपका ये ना, तो इसको x इक्वल टू माइनस फोर इसको आपको क्या है कट करते हुए वो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट जो आपको ये आपकी लाइन कौन सी है x इक्वल टू माइनस फोर को रिप्रेजेंट कर रही है, आई बात समझ में। तो इसमें जो आपको जो ग्राफ मिला है, ओके इसमें आपको जो ग्राफ मिला है वो x एक्सिस पे तो क्या है जो x इक्वल टू माइनस फोर की ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे उसमें x इक्वल टू क्या है माइनस फोर ही आएगा, आई बात समझ में कि नहीं। अगर आप इस पॉइंट की बात करते हो सपोज दैट ये टू, ओके दिस, ओके ओके अगर आपसे बात की जाए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसकी क्या है बाई एक्सिस से डिस्टेंस टू है, ओके बाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है टू यूनिट है, ओके और बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है फोर यूनिट है। ओके डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती बट निगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस है, ओके और कोऑर्डिनेट लिखते समय क्या है माइनस लिया जाएगा। देखो स्टूडेंट बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या है फोर है, आई बात समझ में कि नहीं, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके तो क्या है कोऑर्डिनेट लिखते समय आपको क्या है माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर ये बात की जाए ये कितनी है आपकी टू, ओके तो पहले क्या लिखा जाता है बाई एक्सिस से डिस्टेंस फिर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस फोर कॉमा टू, यानी कि इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, क्लियर है कि नहीं, उसका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फोर ही होगा, आई बात समझ, कहीं से भी आप क्या है तो ये जो लाइन है वो
एक्स एक्सिस पे तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। एक्स इक्वल टू अगर कोई है, कुछ है, ओके, कोई कॉन्स्टेंट, ओके, तो उसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो लाइन जो बन के आएगी वो एक्स एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर। मेरी बात ध्यान से समझना, ये बात क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बात समझ में? जैसे आपके पास ए इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, ओके, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे क्या है निगेटिव है, तो स्टूडेंट इसका ग्राफ क्या है, ओके, जैसे एक्स इक्वल टू 3 है तो आप एक्स इक्वल 3 यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर दो, एक्स इक्वल टू 5 है तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर दो, ओके, क्लियर है कि नहीं। एक्स इक्वल टू -1 है तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो जो लाइन आपकी बन के आएगी वो एक्स एक्सिस के पे परपेंडिकुलर, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और क्या, और आप ध्यान से देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है। आई बात समझ में कि नहीं, वाई एक्सिस के क्या है, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स इक्वल टू ए, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक लाइन बनेगी, ओके, ए क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, एक लाइन ड्रॉ होके जाएगी जो वाई एक्सिस की क्या है पैरेलल होगी, ओके, और स्टूडेंट वाई इक्वल टू ए तो एक लाइन ड्रॉ होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। आई बात समझ में कि नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो ये ग्राफ x इक्वल टू -4 का है, अगर आपसे ये कहा जाए x इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओ बेटा, तो ये 5 है ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी बाई एक्सिस के पैरेलल, आप ड्रॉ कर लोगे, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा। ये बात आपको क्लास 11th और क्लास 12th में भी क्या स्टडी करनी पड़ेगी, आप लोगों ने यहीं पर स्टडी कर ली। आई बात समझ में करें स्टूडेंट, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो आपसे बोल रहे हैं गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज द इक्वेशन। तो देखो आपको गिवेनस क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ओके, आपको क्या दिया है, y इक्वल टू 3 दिया है ना, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इन वन वेरिएबल इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है वन वेरिएबल में, ओके। तो स्टूडेंट वन वेरिएबल का मतलब क्या, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आई बात समझ में कि नहीं, क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और टू वेरिएबल मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आई बात समझ में कि नहीं, तो देखो स्टूडेंट वाई इक्वल टू 3 है ना, तो यानी कि ये आपकी क्या है, ओके, नंबर लाइन है ना, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका क्या है 0 है, ये 1, ओके, ये आपका 2, ये आपका 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है पोर्शन आपको क्या है डार्क कर देना, और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है बाई इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में, ओके, तो ये हो गया, कोई दिक्कत विक्कत नहीं ना। अब आप सोचो कि सर x इक्वल 3 होगा उसका भी यही होगा, आई बात समझ में कि नहीं, ओके, आप चाहो तो इसको क्या सीधी बना लो, आई बात समझ, इसको आप ऐसे कर लो और y इक्वल टू 3 ये हो गया आपका, ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके, वो है तो वो नंबर ही लाइन, x एक्सिस एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट तो नंबर लाइन को ही करते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है इन टू वेरिएबल्स, तो ये जो देखो आपको क्या है वाई इक्वल टू 3 दिया है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, आई बात समझ में, तो ये लो टू वेरिएबल में क्या है रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दो, यानी कि ग्राफ बनाओ, ओके, तो स्टूडेंट देखो आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने में, ओके, ये आपका क्या, ओके, मैं सारी चीज़ें आपको क्या है शुरू से ही थीम करवाते हुए चल रहा हूँ, ओके, तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है 0, ये 1, 2, 3, 4, ये आपका क्या -1, -2, -3, -4, ये आपका 1, 2, 3, 4, ये आपका क्या -1, -2, -3, -4, ओके, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो अब आपका क्या है y इक्वल टू 3 है ना, तो y इक्वल टू 3 तो ये है ना, तो यहाँ से आप क्या करो
एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो एक्स एक्सिस की क्या है पैरेलल होगी। ओके आई बात समझ में कि नहीं। और बाई एक्सिस पे क्या है ये जो ग्राफ है ये क्या है बाई इक्वल टू थ्री, ये आपका पॉइंट थ्री है। ओके इरेज हो गया था। ओके तो ये आपका क्या है इन टू वेरिएबल में क्या है ग्राफ को ड्रॉ। ओके आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो जीरो एक्स प्लस बाई इक्वल टू थ्री। ओके ये जो लाइन है ये काय को रिप्रेजेंट कर रही है जीरो एक्स प्लस बाई इक्वल टू थ्री। ओके और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाई इक्वल टू थ्री को। आई बात समझ में। ये तो वन वेरिएबल में ये रिप्रेजेंटेशन क्या है उन्होंने टू वेरिएबल में कहा है तो जीरो एक्स प्लस बाई इक्वल टू थ्री। ओके वास्तव में एक्चुअली में ये जो लाइन है ये लाइन क्या है एक्स एक्सिस की पैरेलल है। आई बात समझ में। मैंने आपको पहले ही बता दिया बाई इक्वल टू है तो बाई ओके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी एक्स इक्वल टू है तो आपको क्या है बाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके तो स्टूडेंट अब आपका क्या है एक क्वेश्चन और है तो उसको करते हैं। ओके आप पॉज करके क्या है नोट कर लेना। ओके तो स्टूडेंट देखो अब मैं ओके अब मैं ग्राफ क्या है ये यहीं से क्या इतना ही इरेज कर रहा हूँ। ओके अब आपको क्या गिवेन है से देखो 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो 2x प्लस 9 इक्वल टू आपका जीरो है यानी कि 2x इक्वल टू माइनस 9। ओके तो x इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 यानी कि 4.5। ओके माइनस में क्या 4.5 यही तो आएगा x इक्वल टू माइनस 4.5 ये आपका निकल के आ गया। अब इसको क्या है पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है इन वन वेरिएबल सॉरी स्टूडेंट ये 9/2 है। ओके तो उन्होंने क्या कहा है पहले वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। ओके तो वन वेरिएबल में देखो ये आप नंबर लाइन है। ओके ये आपका 0 1 2 ये आपका 1 है ये 2 ये 3 ये आपका 4 ये आपका 5 है तो स्टूडेंट। ओके और ये आपका क्या -1 ये -2 -3 -4 और ये आपका क्या -5। अब स्टूडेंट देखो -4.5 तो क्या है -4.5 -4 एंड -5 के बीच में होगा बीचों बीच में होगा बिल्कुल फिक्स तो ये है आपका वो पॉइंट। ओके ये तो ये पॉइंट आपका किसको लोकेट कर रहा है x इक्वल टू -4.5 को। ओके क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो है ना तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 0 बाई ओके इक्वल टू माइनस 9। दिक्कत क्या है आई बात समझ 0x प्लस बाई 0 बाई इक्वल टू माइनस 9। ओके यानी कि x इक्वल क्या है आपका -4.5 है तो -4.5 तो आपका क्या है इसमें है ही नहीं। ओके तो ये और मैं थोड़ा आगे ये आपका तो -4.5 तो आपका कहीं ये है ना ये पॉइंट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -4.5 को। तो स्टूडेंट x इक्वल टू -4.5 यानी कि -4.5 से आपको क्या है एक बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है यानी कि दिस। ओके और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी ओके 2x प्लस 0 बाई इक्वल टू -9 को। आई बात समझ में कि नहीं। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका किसका है 2x प्लस 0 बाई इक्वल टू -9 का क्योंकि वो बोल रहे हैं आपसे टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। ओके आई बात समझ में 2x इक्वल अरे चाहे उसको 2x इक्वल टू 9 पढ़ लो चाहे आप उसको क्या है ऐसे रीड कर लो 2x प्लस 0 बाई इक्वल टू -9। ओके डोंट फियर। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है पोर्शन क्या है फिनिश हो गया। ओके और आपका चैप्टर भी क्या है खलास हो गया। ओके आई बात समझ। अब आपका चैप्टर 5 है उसकी बात करेंगे। ओके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई आपकी क्वेरी है तो आप क्या है कमेंट करके मुझसे क्या है अपने डाउट का क्या है आंसर ले सकते हो। ओके